जेडीयू से बगावत करने बाद राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से दिया इस्तीफा। मार्च 2021 में विधान परिषद की ली थी सदस्यता। इस्तीफा देने के बाद कुशवाहा ने दिया बड़ा बयान, कहा नीतीश जी की कुर्सी उन्हीं को मुबारक हो, मैंने कभी जमीर बेचकर अमीर बनने की कोशिश नहीं की, अब इस्तीफा देकर लोगों के बीच जाऊंगा। 28 फरवरी से करेंगे विरासत बचाओ नमन यात्रा की शुरुआत। श्री नीतीश कुमार जी को हम कहना चाहते हैं कि त्वा दियंग वस्तु तुभ्यमेव समर्पये, जो मेरे बारे में कई तरह की बात की जा रही थी कि बड़ी कृपा कर दी गई इनको विधान परिषद की सदस्यता देकर। उपेंद्र कुशवाहा किसी की कृपा के तले व्यक्तिगत सुख सुविधा के लिए नहीं रह सकता है, यह बात तो पहले ही से लोगों को मालूम है। लंबे अरसे के बाद रोसड़ा जेल से बाहर निकले समस्तीपुर के हसनपुर प्रखंड की आन बान और शान बाहुबली कुंदन सिंह, न्याय और न्यायालय पर जताया भरोसा, कहा आज सच्चाई की जीत हुई है, ईश्वर के घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं, मेरे विरोधी मिलकर ये गेम रच रहे थे। वहीं कुंदन ने सीएम की तारीफ करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के शासन प्रणाली ठीक है, नीतीश कुमार एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। 25 फरवरी को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में होगी महागठबंधन की महारैली, नीतीश कुमार को लेकर हो सकती है बड़ी घोषणा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने महागठबंधन पर बोला जमकर हमला, कहा तुष्टीकरण की राजनीति करने में लोग लगे हुए हैं, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी भी इसी का संदेश देंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा रैली करने से उन्हें कौन रुकेगा, जहां चाहें वहां रैली करें। अमित शाह के बिहार दौरे पर बोले नित्यानंद राय, बीजेपी की रैली विकास को लेकर होगी, बीजेपी सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम करती है, महागठबंधन की रैली को बताया तुष्टीकरण की रैली, कहा उनकी रैली में लोगों को अपमानित किया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी हुई एक्टिव, इसी क्रम में बीजेपी ने पिछले 4 फरवरी से ही अपना विजय अभियान संथाल परगना से शुरू कर दिया है। तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देवघर में नीम कोटेड फर्टिलाइजर फैक्ट्री का उद्घाटन कर संथाल परगना को विशेष तोहफा दिया था। अब बीजेपी के बड़े नेता बाबूलाल मरांडी संथाल परगना का दौरा कर केंद्र सरकार के द्वारा संथाल परगना को दिए गए ऐसे ही उपहारों की याद दिलाकर वोटरों को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार के बजट में पलामू लोकसभा क्षेत्र को मिली कई सौगात, भाजपा सांसद वीडी राम ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार के बजट के बारे में सरकार के महत्वपूर्ण योजना और पलामू को मिले सौगात की दी जानकारी, कहा पलामू लोकसभा क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को हमने बजट में रखा था जिसे पास कर दिया गया है, बहुत जल्द ही इसका लाभ यहां की जनता को मिलेगा, पलामू में ट्रेनों की संख्या में होगा इजाफा, यात्रियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं। रोहतास में शादीशुदा महिला अपने 6 बच्चों को छोड़कर प्रेमी के संग हुई फरार, साथ ले गई पति की कमाई का सारा पैसा और जेवरात, पति चेन्नई में करता था काम, बच्चों के भरण पोषण के लिए खाते में भेजता था पैसे, महिला का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चल रहा था अफेयर, दूसरे मोबाइल पर उससे करती थी लगातार बातें, पति ने अपनी पत्नी की बरामदगी और अपने पैसे की रिकवरी को लेकर थाने में लगाई गुहार। होली के नजदीक आते ही झारखंड के बोकारो में बर्ड फ्लू की दस्तक, केंद्र सरकार ने संक्रमण को रोकने में राज्य सरकार की मदद के लिए 2 अलग अलग केंद्रीय दल की टीम को सौंपी जिम्मेदारी, ICAR लैब भोपाल द्वारा बोकारो के फार्म से भेजे गए सैंपल में बर्ड फ्लू की हुई थी पुष्टि। पश्चिम सिंहभूमि जिले के टोंटो थाना के जंगली इलाकों में नक्सलियों ने बिछाए IED बम, चपेट में आई ग्रामीण महिला, इस हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आई हैं, महिला को बेहतर इलाज के लिए चाईबासा रेफर कर दिया गया है, बम की चपेट में कई सुरक्षा के जवान भी आ चुके हैं, सुरक्षा बल धीरे धीरे नक्सलियों के और करीब पहुंच रहा है, नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान से जंगल के अंदर मची खलबली। लोहरदगा और रांची इलाके में एक जंगली हाथी ने मचाया उत्पात, 14 लोगों की ले चुका है जान, हाथी के बढ़ते खतरे को देखते हुए हाथी को ट्रैंकुलाइज करने का आदेश जारी, वन विभाग की टीम लगातार जंगली हाथी पर रख रही है नजर, जिस इलाके में हाथी घूम रहा है उस इलाके में धारा 144 लागू, साथ ही देर शाम को लोगों के घर से बाहर निकलने से रोकने का भी लिया गया फैसला।